तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है टेक नॉट लेस ठीक है इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है हमको एक आ, ये लोग एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमको कुछ एरे में वैल्यूज़ दे रखे हैं कुछ नंबर ऑफ स्टोन्स दे रखे हैं ठीक है पहले मरीज का खेलेगा फिर जैनिक मतलब दो पर्सन है ठीक है फर्स्ट पर्सन मरीज का है सेकेंड पर्सन जेनिक है तो मुझे क्या बताना है कि कौन गेम जीत रहा है गेम क्या है कि जैसे मैंने जैसे मैं और मेरे भाई हैं मैंने अगर एक स्टोन उठाया उसकी जो वैल्यू है वो थ्री है और उसके बाद जितने भी स्टोन्स बचे हैं ना अगर वो उसकी कम वैल्यू उठाएगा जैसे मेरा भाई अगर टू उठाएगा तो वो गेम हार गया मैं गेम जीत गया आई बात समझ में जैसे अगर एक अरे है वन स्टोन टू स्टोन थ्री स्टोन अगर मैंने तीसरा स्टोन उठा लिया इस जैसे एक स्टोन है जिसकी वैल्यू थ्री है ठीक है अगर मैंने हाइएस्ट वैल्यू वाला स्टोन उठा लिया और जो मेरा भाई है अगर उसको उतनी वैल्यू का स्टोन नहीं मिलता या उससे बड़ा स्टोन नहीं मिलता तो वो गेम हार गया ठीक है तो देखो ध्यान से देखो वन टू थ्री है जब तो मरीज का जीत गया अब यहाँ पे क्या वैल्यू है अब अगला क्वेश्चन है वन वन अगर यहाँ पे वरिज का अगर जैसे मतलब मैं और मेरा भाई मैंने पहले वन का उठाया ठीक है फिर उसके बाद उसने भी वन का उठा लिया उसने बराबर का उठा लिया ना उतनी वैल्यू का स्टोन उठा लिया तो फिर मेरा भाई जीत गया क्योंकि मेरे पास कोई स्टोन ही नहीं बचा सारे स्टोन खत्म हो गए ना सारे स्टोन खत्म हो गए राइट फिर उसके बाद ध्यान से देखो एक एक ही है वैल्यू एक ही स्टोन था दस का पहले मेरी चांस थी मैंने करा तो मैं ही जीत गया तो मैंने इसमें कॉमन लॉजिक क्या निकाला कॉमन लॉजिक इसमें ये निकल रहा था फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अरे अरे में सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू है देखो सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं इधर तो मैं सीधा सीधा इसको आउटपुट कर दूंगा राइट लेट्स से सारी डिस्टिंक्ट नहीं है लेट्स से सारी डिस्टिंक्ट नहीं है जैसे टू 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 है थ्री थ्री अगर इवन वैल्यूज होंगी ना इवन वैल्यूज होंगी ध्यान से देखो इवन वैल्यूज से कोई मतलब ही नहीं हमको इवन वैल्यूज हम तब तक चलाएंगे जब तक सारी जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं सारी इवन वैल्यूज रखूंगा ना तो मेरा जेनिक जीत जाएगा तो मेरा जेनिक जीत जाएगा आई बात समझ में तो मेरा जेनिक जीत जाएगा और कहीं भी जैसे इस केस में जैसे मैंने उठाया पहले फिर मेरे भाई ने सेम वैल्यू उठा ली गेम चल रहा है फिर उसके बाद मैंने उठाया टू फिर उसने भी टू की वैल्यू उठा ली अभी भी गेम चल रहा है फिर मैंने वन उठाया समझ रहे हो ना वैल्यू सेम होनी चाहिए जो सेकंड पर्सन है अगर उसकी वैल्यू सेम है उससे बड़ी है तो गेम चलेगा तो साफ साफ दिख रहा है अगर कोई भी वैल्यू अगर इवन बार आ रही है मतलब मैं एक अरे लूंगा जिसमें मैं अपना काउंट स्टोर करता रहूंगा जिसमें मैं अपना काउंट स्टोर करता रहूंगा ठीक है पिछले सॉल्यूशन में लोग कह रहे थे मैप नहीं आ रहा मैंने एक अरे का सॉल्यूशन कमेंट्स में प्रिंट कर दिया वो भी देख सकते हो मैप जरूरी नहीं है ना मैप और अनऑर्डर्ड मैप हैश मैप को तुम अरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो बस तुम्हें हैश मैप का कंसेप्ट पता होना चाहिए अगर तुम्हें वो कंसेप्ट नहीं पता तो कमेंट में बताओ मैं उसके लिए एक छोटी वीडियो बना दूंगा वैसे गिग्स और गेग्स पर बहुत सारे एडिटोरियल्स हैं बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाता है उस उनको अगर पढ़ोगे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है हैश में मतलब तुम एक इंडेक्स के बराबर उसका काउंट स्टोर कर रहे हो बस और कुछ नहीं कर रहे हो और हम वो क्यों कर रहे हैं ताकि मैं उसको बहुत इजीली उसके काउंट को एक्सेस कर सकूं ओ ऑफ वन टाइम में क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर होता है ना उसमें तुम्हें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती तो कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ती उसकी आ रही बात समझ में तो एनी अगर मैं यहाँ पर थ्री को एक और बार बढ़ा दूँ जहां मेरी जहां मेरा अकाउंट किसी भी किसी भी जितने भी स्टोन से जहां मेरा अकाउंट उसका ऑड हो गया जहां उसका अकाउंट आउट हो गया मेरा मैं जीत जाऊंगा देखो मैंने थ्री का स्टोन उठाया मैंने थ्री का स्टोन उठाया फिर मेरे भाई का थ्री भाई ने थ्री का स्टोन उठा दिया दोनों की वैल्यू बराबर है गेम चला है फिर से मैंने थ्री का स्टोन उठा दिया फिर से मैंने थ्री का स्टोन उठाया मेरे भाई अब टू का स्टोन उठाने पर मजबूर है क्योंकि थ्री की वैल्यू नहीं है राइट तो ईवन होना बहुत जरूरी है गेम चलने के लिए वरना सीधा सीधा है मैं जीत जाऊंगा तो सिंपल ऑर्डर ईवन का केस था तुमको सारी वैल्यूज जितनी दे रखी हैं उनका काउंट चेक करना है उनका काउंट चेक करना है कि क्या वो ऑर्ड है इवन है जब तक इवन होगा गेम चलता रहेगा जब तक इवन है गेम चलता रहेगा जहां ऑर्ड हो गया मैं जीत जाऊंगा फर्स्ट पर्सन जो कि मरीज का है वहां वो जीत जाएगा तो सिंपल सिंपल का क्वेश्चन राइट एक बार टेस्ट केस लिखता हूँ इनटी सिंटी वाइल्ड ई माइनस माइनस सबसे पहले इनपुट में हमको क्या दे रखा है कि हमको नंबर ऑफ रॉक्स का जो जितने भी क्रॉक्स हैं उनका इनपुट लो फिर एक अरे बनाओ और उसको इनपुट में ले लो अरे का इनपुट कैसे लेंगे आई एक लेस एन वैल्यूज है एक फॉर लूप लगाऊंगा ये तो बेसिक है सिन से हम ऐसे ले लेंगे एक सॉल्व फंक्शन बनाते हैं एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे हम और उसके अंदर मैं अपने सारे अरे को और वैल्यूज को भेज दूंगा ठीक है एक सॉल्व फंक्शन बनाया मैंने जिसमें मैं अपने अरे को भेज रहा हूँ और उसके साइज को भेज रहा हूँ ठीक है यहाँ पे एक वाइट सॉल्व बना लेता हूँ फटाफट से व्हाइट सॉल्व और इंट ए एक अरे बनाया और उसका साइज बना दिया ठीक है और मैं मैप इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि एस मेरे को आता है और उससे मुझे इजी होगा यहाँ पे समझाने के लिए भी अगर किसी को नहीं आएगा कमेंट्स में बताना मैं फिर से उसको कमेंट में पिन कर दूंगा इसका अरे इम्प्लीमेंटेशन करके भी अभी मैं बस समझा रहा हूँ फटाफट से समझा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे एक मैप लूंगा मैं मैप इंट इंट मैप क्यों ले रहा हूँ अनऑर्डर्ड मैप क्यों नहीं ले रहा हूँ देखो मैप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सॉर्टेड वे में मेरा मतलब वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा मेरे एलिमेंट्स को और फिर मैं रिवर्स लूप चलाऊंगा मतलब आखिरी से चेक करूंगा क्योंकि स्टार्टिंग से चेक करने का पॉइंट नहीं है right? राइट क्योंकि हम लोग हमेशा मैक्सिमम रॉक की वैल्यू को उठा रहे हैं अगर मेरा मैक्सिमम रॉक ही ऑर्डर है तो मैं बाकी वैल्यूज़ को चेक क्यों करूँ आ रही बात समझ में इसलिए मैं मैप ले रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा और मैं काउंट भी स्टोर कर सकता हूँ ठीक है ये क्वेश्चन हम ओ लो ओ ऑफ ओ ऑफ एंड टाइम में सॉल्व कर रहे हैं और ओ ऑफ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर रहे हैं ठीक है सबसे पहले मैं अपनी वैल्यूज को अपने मैप में डालूंगा तो वो कैसे करेंगे हम तो प्लस प्लस और मैप में ए ऑफ आई वैल्यू डाल के उसका काउंट मैं प्लस कर लूंगा ठीक है ये हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है मैप में हम कैसे उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसका काउंट स्टोर कर रहे हैं ठीक है उसके बाद अब मुझे एक वेरिएबल वेरिएबल हम बाद में बनाएंगे एक फॉल्ट मैंने कहा था उल्टा लूप चलाएंगे ऑटो आई टी एक रिवर्स फंक्शन होता है मैप डॉट आर बिगिन मतलब रिवर्स शुरू करो और जब तक वो रिवर्स मतलब अगर फॉर लूप के टर्म्स में कहूँ सिंपल फॉर लूप के टर्म्स में तो इसका मतलब है फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू ए डॉट साइज माइनस वन और आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई माइनस माइनस तो मैं सिंपल आर एंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ रिवर्स एंड और रिवर्स बिगिन ये मेरा मैप का इनबिल्ट फंक्शन होता है ठीक है ये मुझे उल्टा चलाने के लिए उल्टा चलाने में हेल्प करेगा ठीक है रिवर्स फॉर लूप चला रहे हैं हम ठीक है जस्ट ए इन बिल्ड फंक्शन है रिवर्स बिगिन एंड रिवर्स एंड रिवर्स एंड इफ ऑर्ड इफ ऑर्ड अगर मेरा अकाउंट ऑर्ड है तो सिंपल कौन जीत रहा था मैं जीत जा रहा था मतलब कौन फर्स्ट पर्सन कौन है मरीज का तो मैं सीधा सीधा देखूंगा इफ आई टी डॉर सेकेंड परसेंटेज टू इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब अगर वो ऑर्ड है तो सीधा सीधा जो है मेरा मरीज का को तुम आउटपुट कर दो ठीक है सॉरी ब्रेस लगा दूँ यहाँ पे इसको कट करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं ठीक है अब मैं सीधा मैं चाहता हूँ ना ब्रेक कर दूँ ब्रेक कर दूँ और एल्च एल्च अगर मेरा इवन वाला कंडीशन है अगर एल सेफ इफ, इफ़ आई टी इवन परसेंटेज टू इक्वल टू इज इक्वल टू तो, तो ज़ीरो सॉरी आई टी सेकेंड अगर मेरा काउंट इवन है तो मतलब मेरा गेम चल रहा था मैंने जैसे समझाया स्टार्टिंग में गेम चल रहा है अगर इवन है तो जीरो होगा काउंट अगर तो जीरो का मतलब कंटिन्यू कर दो उसको मतलब स्किप कर दो आइट्रेशन को ठीक है अगर मैं ये एल सेफ कंडीशन हटा दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ध्यान से सोचना क्यों अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा मरीज का प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे एक बोल वेरिएबल बना लूंगा नो आउटपुट करके जिसको मैं इनिशियली फॉल्स रखूंगा और यहाँ पे नो आउटपुट को मैं ट्रू कर दूंगा ठीक है कि अगर मेरा नो आउटपुट मतलब यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया वैसे उल्ट मतलब तुम समझ जाओ यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ मैं नो आउटपुट यहाँ पे अगर मैं ऐसे रखूंगा इसको तो यहाँ पे मैं अगर मेरा सारे केसेस केसेजीवन है सारे केसेस केसेजीवन है तो एंड में मुझे बताना पड़ेगा ना कि जेनिक जीत गया तो आखिरी में अगर ये फॉल्ट लूप सक्सेसफुली नहीं चला सक्सेसफुली अगर नहीं चला मतलब जैसे अगर ऑड का केस कोई भी नहीं था सारे एलिमेंट्स इवन थे जैसे वन वन टू टू थ्री थ्री अगर मेरी ऑर्ड वाली कंडीशन ही नहीं देखो सारे एलिमेंट्स दो बार आ रहे हैं पहले मैंने खेला फिर मेरे भाई ने खेला फिर मैंने खेला फिर मेरे भाई ने खेला फिर मैंने खेला फिर मेरे भाई ने खेला मेरा भाई जीत गया क्योंकि अब कोई स्टोन ही नहीं बचा राइट तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मरीज का प्रिंट नहीं हुआ है अगर मरीज का प्रिंट नहीं हुआ है तो मतलब नो आउटपुट नो no आउटपुट एक वेरिएबल जस्ट मैंने बना लिया कि मुझे ये बता रहा है यहाँ पे कि मेरा आंसर ऑलरेडी प्रिंट है कि नहीं है मैं बस इसलिए इसको एक बुल वेरिएबल बना रहा हूँ कि अगर मेरा आंसर प्रिंट हो गया तो जब ये फॉर लुक के बाहर आएगा ना जब मैं ब्रेक करके आऊँगा तो सबसे पहली कंडीशन ये चेक करेगा ना वो तो यहाँ पे जैनिक प्रिंट नहीं होगा अगर मेरा मरीज का प्रिंट हो गया ये तो समझ जाओ यार बेसिक है कि अगर मेरा मरीज का प्रिंट हो गया तो इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे एक बुल वेरिएबल बना लिया कि अगर मरीज का प्रिंट हो गया तो जैनिक प्रिंट मत करना अगर जेनिक प्रिंट हो रहा है ऑब्वियसली फिर यहाँ पे ऑड की कंडीशन कोई थी नहीं तभी वो फॉर लुक के बाहर आ गया ना तो आई थिंक हमने बहुत आसानी से ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन मैं थोड़ा बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ या तो वीडियो की स्पीड को रिड्यूस कर लो अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन और चाहिए आराम आराम से बिल्कुल ड्राई रन करके यहाँ पे हमने यहाँ पे आई टी प्लस प्लस करना है सॉरी आई टी प्लस प्लस आई प्लस प्लस करने की आदत हो गई है आई टी प्लस प्लस कर दो बस यहाँ पे और कुछ नहीं रन करते हैं एक और बार डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक बार कमेंट्स में कहो जब कॉन्टेक्स खत्म होगा आराम आराम से वीडियो बना दूंगा दोबारा ठीक है सबमिट करते हैं फिर से चेक कर लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को सोचना समझ में आ जाएगा इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था मैप इसलिए ले लिया क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देता है मुझे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी राइट एक अरे लेके तुम सॉर्ट इन बिल्ड शॉर्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो ए आर आर को ए आर आर प्लस एन और हैश मैप तुम अरे से भी बना सकते हो राइट तो आई थिंक हमने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया सिर्फ ऑर्डर इवन की कंडीशन लगानी थी और कुछ नहीं करना था ठीक है तो थैंक यू नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं